अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैं अपडेट दे रही हूँ 1.5 इंच प्लांट कटिंग की। कल मैं जो लास्ट वीडियो में बताई हूँ, और आज देखिए आप, ये अच्छे से लग गई है। ये भी देखिए, ये मदर प्लांट है। ये वाइन होती है, एक्चुअली प्लांट नहीं होता। इसकी कटिंग मैंने ली थी और इस तरफ मैंने लगाई है। ये खुद ब खुद सही प्रॉपर हो जाएगी और एक शेप आ जाएगा। ये नीचे की तरफ फैलने वाली वाइन है, इसको सपोर्ट वपोर्ट तो नहीं दिया जाता है। ये हैंगिंग बास्केट की बोल सकते हैं आप, वाइन है। बहुत अच्छी तरह ये हैंगिंग बास्केट में चलती है, लेकिन क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा भर गई थी मेरे पास, ज़मीन पर फैल गई थी, तो क्लीन भी करना पड़ता है, तो मैंने हटा लिया। ये है मनी प्लांट, देख सकते हैं आप। तो इसको सपोर्ट नहीं है, ये यहीं फैलते जा रही है, गोल 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 गोल। मैं इसको ऊपर ही रख रही हूँ, तो मैंने सोचा इसको एक लकड़ी से है सो सपोर्ट दे दूँ। मैं एक स्टिक है थी मेरे पास वेस्ट, तो उसको इसमें लगा रही हूँ, ताकि बाद में मैं इसको अच्छे से सपोर्ट दूँगी, या इस पर एक कपड़ा लपेट दूँगी, ताकि इसके रूट्स उसको पकड़ के अच्छे से, कॉटन का होता है ना, कॉटन का कपड़े को मैं इसके ऊपर अच्छे से लपेट दूँ। बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, उस पर मैं इसको सही कर दूँगी। तब तक एक साइड में रख रही हूँ। इसमें देखिए पता नहीं कौन से सीड्स गिरे हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं, तो मैं इस पॉट को ऐसे ही छोड़ती हूँ ताकि देख सकूँ। थोड़े बड़े हो सीड तो तभी पता चलता है क्या क्या सीड्स है, क्या है, कौन सा प्लांट है। इस कॉर्नर पर मैंने ऐसे बना दिया है। ये देखिए, ये सदाबहार का प्लांट है जिसको कट किया है मैंने, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहे थे। ये डेसीना है मेरा रेड वाला, ये क्रोटन है इधर। ये देखिए आप, इसमें कितने अच्छे फ्लावर्स हो रहे हैं ना, पूरे फ्लावर्स होते हैं गुच्छे में, फिर झड़ जाते हैं और फिर उसी में सीड्स बनते हैं। ये कंपोज बन रही है। ये देखिए, ये भी एक वैरायटी होती है डेसीना की। ये जो वॉल देख रहे हैं आप, यहाँ मैं ये साइकिल को लगाने वाली हूँ, और उसी के ऊपर हम हैंगिंग पॉट्स बना के लगाएंगे, बॉटल्स के वेस्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे। ये देखिए आप, इस तरफ देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हुए हैं ना, एक्चुअली ये मैं कंपोस्ट में किचन वेस्ट जो होता है ला के डाल रही हूँ साइड में। तो आप देख सकते हैं सारे ये आले में जितने प्लांट्स हैं फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि उनको इसकी सारी कुव्वत मिल रही है, हर चीज़ मिल जा रही है। तो एक साइड में मैंने एक आला बनाया है, उसमें एक आले में भी एक साइड में मैं ऐसा ला के डालते जाती हूँ, मट्टी उस पर से डाल देती हूँ ताकि मच्छर वगैरह ना हो। और वो ये भी मैंने कट कर दिया था पूरा प्लांट, आप देख सकते हैं इसमें भी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। ये नाग चंपा का है जो मैंने कट किया था, बताया भी था आपको, इसमें भी आ गए हैं नए नए शूट्स। तो ये देखिए आप, ये 4 o'clock है जिसमें बहुत सारी कलियाँ हैं, लेकिन थोड़े बर्ड्स आके कलियाँ सारी ना नीचे गिरा दे रही हैं, पता नहीं फूल खुलने से पहले ही वो सारी कलियों को गिरा दे रही है नीचे। ये देखिए कितने अच्छे इसमें न्यू लीव्स आ रहे हैं नाग चंपा में, वाइट कलर का फ्लावर होता है ये। एक और एक लेमन का मेरा प्लांट है, तो ये ज़मीन में मैंने लगाया है, तो इसके अतराफ मैंने ईंट से एक ऐसा आला बनाया है। ये देखिए, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी। अब देखिए इसमें कितने सारे न्यू लीव्स अच्छे से आ चुके हैं। और ये 4 o'clock है प्लांट बाजू, तो उसके ब्लैक जो सीड्स होते हैं ना, वो गिरने से इसमें भी प्लांट हो रहा है, तो हो जाए फ्लावर्स नीचे होते रहेंगे और लेमन का प्लांट हमारा ऊपर चलते रहेगा। तो मैं इसलिए उसको नहीं निकाल रही हूँ। ज़मीन होने पर आपको बहुत सारे फ्री के प्लांट्स मिल जाते हैं, क्योंकि सीड्स वगैरह गिरते और ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए जी, लेमन का ये है, अच्छा सा चल रहा है। ये है एक मैंने लेमन ना सीड से ग्रो किया है ये प्लांट लेमन का, और ये एक मैंने बॉटल, वाटर बॉटल होता ना बहुत बड़ा सा 20 लीटर का, उसमें मैंने लगाया था, देख सकते हैं आप। ये लेमन ना बहुत छोटा था, लेकिन बहुत रसीला था और बहुत खट्टा था, तो ये मैंने सीड्स लेके उसके ग्रो किए थे। अभी तक तो फ्रूटिंग नहीं हुई है, फ्लावर्स नहीं आए हैं, लेकिन मैंने कटिंग की है, देखते हैं। ये देखिए, ये भी जामुन का है जिसे सीड से ही मैंने ग्रो किया था। ये डेसीनिया के एक वैरायटी है जो मेरी हाइट से ज़्यादा इसकी हाइट हो गई है इस प्लांट की,
तो अब मैं सोच रही हूँ उसको मैं कट करूँ, तोड़ूँ या रहने दूँ। एक कोना कॉर्नर पे तो रखी हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ मैं वॉल पे छोटी सी साइकिल है उसको लगा के हैंगिंग्स लगाने का सोच रही हूँ, तो सोचूंगी क्या करूँ मैं उसका। उस प्लांट को मैं कट करने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक तो नहीं किया है। ये देखिए, ये सारी कंपोज बन रही है बैग में। ये देखिए, ये न्यू लीव्स आए हैं इमली के झाड़ पे, जो मेरे पास सीड से मैंने ग्रो किया है। ये भी एक 20 लीटर के बॉटल में ही ग्रो हुआ है, पानी का, जो वेस्ट बॉटल्स होते हैं उसको मैंने यूज़ किया है, और ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए, कटिंग करने का यही फ़ायदा होता है, हार्ड कटिंग का भी फ़ायदा बहुत होता है, बहुत लीव्स आते हैं आपके प्लांट पे, जैसे इसमें आए हैं। ये देखिए, इसको शुगर भी बोलते हैं, ये पकाया जाता है। ये जो पत्ते होते हैं बहुत खट्टे होते हैं, न्यू जो लीव्स आते हैं इमली के झाड़ पे उसको तोड़ लेकर उसको ना गोश्त में पकाया जाता है। बहुत मज़े का ये एक रेसिपी बनती है, लेकिन मैं नहीं तोड़ती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखिए, आप न्यू न्यू कितने आ गए, देखिए लीव्स इसमें। 1 वीक पहले शायद मैंने इसकी कटिंग की थी, और आज देखिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो ये कॉर्नर तो हो गया जी साफ, इस तरफ से पूरा मैंने कॉर्नर साफ कर लिया है। अब मुझे सिर्फ नीचे की तरफ सफाई थोड़ी करके अब क्या प्लांट्स लगाना क्या है उसकी तैयारी करनी है। ये देखिए, ये जो कटिंग मुझे कल मिली है ना वंडरिंग जू की, इससे मैं बहुत सारी आज से बनाना शुरू करूँगी। आपको बताती जाऊँगी इसका कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और अपने घर में कई सारे तरीक़े से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, एरोवेरा है, बहुत सारे आपस में प्लांट्स एक पॉट में हो गए, 3-4 प्लांट्स हो गए हैं। देखिए कितने प्यारे से न्यू लीव्स आते हैं कटिंग के बाद। तो यही था जी वीडियो। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।